ये वीडियो पूरी देखो। अक्सर लोग ये समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ परेशानियाँ हैं, तो इसका मतलब अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। दुख तकलीफ़ इससे अल्लाह ताला की नाराज़गी साबित नहीं होती, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। किसी की ज़िंदगी में परेशानियाँ और तकलीफ़ें और खुशियाँ आती रहती हैं, इस चीज़ से हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला की नाराज़गी का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं अगर हमें नमाज़ पढ़ने की या नेक काम करने की तौफीक नहीं मिल रही, हम अल्लाह ताला से दूर होते जा रहे हैं, हम दीन से दूर होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। सबसे बड़ी निशानी यह है कि अगर आप कोई गुनाह करते हैं और आपके दिल में अल्लाह ताला का खौफ आता है, फौरन से वो गुनाह छोड़ देते हैं, या आपके दिल में अल्लाह के लिए खौफ आता है कि मैं ये गुनाह कर रहा हूँ, मुझे इसकी सज़ा मिलेगी या मैं अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी है, वो आपको अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं। अगर आपके दिल में खौफ नहीं आता, आप गुनाह पर गुनाह करते चले जाते हैं और अल्लाह ताला से इस तरह दूर होते जाते हैं, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला आपसे नाराज़ है और वो आपको अपनी तरफ बुलाना ही नहीं चाहते। ये वीडियो पूरी देखो। अस्सलामु अलैकुम, क्या आप जानते हैं कि जो शख्स ये कलिमात पढ़ता है वो कयामत के दिन बख्श दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो ऐसे कलिमात हैं जो जुबान के बड़े ही हल्के हैं और मैजान में बहुत भारी होंगे। कयामत के दिन जब बंदा तरस रहा होगा एक एक नेकी को, तो वो देखेगा कि उसका ये जो जिक्र है, ये जो कलिमात उसने कहे थे, उनकी वजह से उसका मैजान इतना भारी हो चुका होगा कि वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मेरे जिक्र ने बचा लिया। और वो कलिमात हैं सुभानल्लाही व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अजीम। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद कर लें और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें या अपने दोस्तों को मेंशन करें। एंड फॉलो फॉर मोर वीडियो। ये वीडियो पूरी देखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जुब्बुल हुज्न से अल्लाह की पनाह मांगो। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह जुब्बुल हुज्न क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुब्बुल हुज्न जहन्नम की एक वादी है जिससे जहन्नम खुद भी दिन में 400 बार पनाह मांगती है। पूछा गया, या रसूलल्लाह उसमें कौन लोग जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो रियाकारियों के लिए तैयार की गई है जो अपने अमाल की नुमाइश करते हैं। और आप जानते हैं रियाकारी क्या है? रियाकारी शो ऑफ को कहते हैं, जैसे कि आप अपनी इबादत का शो ऑफ करें, दिखावे की इबादत करें, इसे रियाकारी कहते हैं। और जुब्बुल हुज्न में रियाकार जाएंगे। ये वीडियो पूरी देखो। क्या आप चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल आपसे मोहब्बत करें? तो ये हदीस आपको लाजमी सुननी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहते हो अल्लाह और उसके रसूल तुमसे मोहब्बत करें, तो इन तीन आदतों की हिफाजत करो। सच कहना, अमानत अदा करना, बेहतरीन पड़ोसी बनना। जो शख्स अपने पड़ोसी को तकलीफ देता है तो उसकी नेकियाँ इस तरह कम होती हैं जैसे सूरज बर्फ को पिघला देता है। ये तीन छोटी सी आदतें हैं, आप इनको अपना लीजिए ताकि आप भी अल्लाह के नेक बंदों में शामिल हो जाएं। और इस हदीस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्या पता आपके शेयर से किसी को हिदायत मिल जाए और वो भी अल्लाह के नेक बंदों में शामिल हो जाए।